अगर आप कम मेहनत और कम समय में राइस की रेसिपी बनाना चाहते हैं तो आप इस वेज मसाला पुलाव की रेसिपी को ट्राई कर सकते हैं। इसे बनाने में सिर्फ 12 से 15 मिनट का समय लगेगा और खा के आपका मन खुश हो जाएगा। ये खाने में बहुत ही टेस्टी है और इसे बनाने में आपको बहुत ही कम मेहनत लगेगी। तो आपके किचन में उस टाइम पे जो भी सब्जियां अवेलेबल हो आप उसी से ये मसाला वेज पुलाव ट्राई करें। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ दीपिका और आप हैं हमारे चैनल दीपिका किचन में। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को एंड तक जरूर देखें, स्टेप बाय स्टेप देखें, तभी आपको ये प्रोसेस समझ में आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो। मैंने यहाँ पे लिया है एक कटोरी बासमती चावल, आप चाहें तो कोई सा भी चावल ले लें। इसको दो तीन बार पानी से धो के अच्छे से सारा पानी स्ट्रेन कर देंगे। हमें चावल को भिगाना नहीं है, सिर्फ धो के रख लेना है क्योंकि हम पुलाव कुकर में बनाएंगे। तो अब हम कढ़ाई में तेल या घी गरम करेंगे, आप चाहे तो घी ले सकते हैं या तेल ले सकते हैं या फिर दोनों को मिक्स करके भी ले लेंगे तो भी बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। और अब हम इसमें ऐड करेंगे साबुत गरम मसाला। मसालों को थोड़ा सा तेल में भूनेंगे और अब हम इसमें डालेंगे एक कटा हुआ प्याज। प्याज को तेल में गोल्डन होने तक भूनेंगे। प्याज को हमें बहुत ज़्यादा नहीं भूनना है। हम इसमें ऐड करेंगे एक मीडियम साइज़ का कटा हुआ गाजर, एक टमाटर कटा हुआ, मीडियम साइज़ का टमाटर है ये। और अब हम इसमें ऐड करेंगे तीन चार हरी मिर्च कटी हुई। हरी मिर्च बिल्कुल ऑप्शनल है। और अब हम इसमें ऐड करेंगे आधा चम्मच हल्दी पाउडर और आधे चम्मच से थोड़ा ज़्यादा कश्मीरी लाल मिर्च और लगभग आधा चम्मच किचन किंग मसाला। मसाले आप कोई भी ऐड कर सकते हैं बट इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा। इसको थोड़ा सा मिक्स करेंगे और तेल में थोड़ा सा भून लेंगे। और अब हम डालेंगे इसमें नमक, नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ले सकते हैं। और अब हम इसमें ऐड करेंगे ये वॉश किया हुआ चावल। चावल को मसाले में मिला के थोड़ी देर के लिए भूनेंगे। और अब हम इसमें डालेंगे शिमला मिर्च। शिमला मिर्च हमने पहले नहीं डाला क्योंकि ये बहुत कुक हो जाता है तेल में तो इसका कलर चेंज हो जाता है। और चावल को तेल और मसालों के साथ कम से कम 2 से 3 मिनट भूनेंगे। और अब हम इसमें ऐड करेंगे पानी। पानी का रेशियो इतना होना चाहिए कि एक कटोरी के साथ 1.5 कटोरी पानी आप इस्तेमाल करेंगे जिस कटोरी से आपने चावल लिया है। चावल और सभी मसालों को पानी के साथ एक साथ मिक्स करेंगे। और अब हम इसमें लास्ट में ऐड करेंगे आधा नींबू का रस। नींबू का रस डालने से चावल हमारे बिल्कुल खिले खिले बनेंगे और ये पुलाव हमारा बिल्कुल भी स्टिकी नहीं बनेगा। तो अब हम कुकर का ढक्कन बंद करेंगे और इसको हाई फ्लेम पे 1 से 2 सीटी आने तक चावल को पकाएंगे। तो 2 सीटी हमारी आ चुकी है, अब हम पुलाव को चेक कर लेते हैं। ये देखिए हमारा ये मसाला वेज पुलाव कितना खिला खिला बना हुआ है। तो इसमें लास्ट में लगाएंगे एक ऐसा तड़का जिससे ये आपको बिल्कुल बिरयानी का फ्लेवर देगा, बिल्कुल रेस्टोरेंट के बिरयानी की याद आ जाएगी आपको। तो हमने इसमें ऐड किया है देसी घी क्योंकि घी से हमारे इस बिरयानी में बहुत ही अच्छा टेस्ट आ जाएगा। तो घी हमारी मेल्ट हो चुकी है और अब हम इसमें ऐड करेंगे अदरक और लहसुन। अदरक और लहसुन जब घी के साथ मिलती है ना तो गजब की खुशबू आती है। तो घी में अदरक और लहसुन को थोड़ा सा भून लेंगे और इस मिक्सचर को पुलाव में डालेंगे और अच्छे से पूरे पुलाव में मिक्स करेंगे। और अब हम ऐड करेंगे कटा हुआ हरा धनिया। धनिया को पुलाव में अच्छे से मिक्स करके कुकर का ढक्कन बंद करके कम से कम 2 मिनट के लिए छोड़ देंगे और उसके बाद हम इसे सर्विंग प्लेट में ट्रांसफ़र कर लेंगे। इसके बाद ऊपर से थोड़े से हरे धनिए के साथ इसको गार्निश करेंगे। तो लीजिए तैयार है हमारा बिल्कुल खिला खिला वेज मसाला पुलाव। आप इसे खीरे के रायते के साथ, बूंदी के रायते के साथ या फिर मिक्स वेज जो भी रायता बनाते हैं उसके साथ आप इसे सर्व करिए, ये बहुत ही टेस्टी लगेगा उसके साथ। और हाँ, हमने जो ये अदरक लहसुन का इसमें तड़का लगाया था उस स्टेप को आप एक बार ज़रूर ट्राई करें, इससे आपके पुलाव में बहुत ही अच्छा फ्लेवर आएगा। बिल्कुल आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपने घर पे बनाया है या फिर बाहर से मंगवाया है। तो आप इसे एक बार ज़रूर ट्राई करें। तो आप हमारे इस स्पेशल वेज मसाला पुलाव को बनाइए, खाइए और अपने एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर कीजिए। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आती है तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।